अस्सलाम वालेकुम। पपीते के फल से कौन वाकिफ़ नहीं, लेकिन पपीते के साथ पपीते के बीज आपकी सेहत के लिए किस कदर मुफीद है, इस बात से यकीनन सब लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। कुदरत की तख्लीक करदा हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा और मकसद ज़रूर होता है। पपीते के बीजों में अहम गिजाई अज्जा मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में तहफ़ फराहम करते हैं। दिन में सिर्फ एक बार आप इन बीजों के इस्तेमाल से अपनी सेहत को भरपूर बना सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पपीतों के बीजों के फ़वाइद, इसके साथ साथ इसके खाने का तरीका भी जानेंगे। गुर्दों के लिए, पपीते के बीज गुर्दे की सेहत की बेहतरी और गुर्दों को बीमारियों से बचाने के लिए मुफीद समझे जाते हैं। ये गुर्दों की बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद हैं। जिगर के लिए, पपीते के बीजों में मौजूद अहम गिजाई अज्जा जिगर के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। चंद पपीते के बीज पीस कर जूस वगैरह के साथ खाने से आपका जिगर सेहतमंद रहता है। एक माह तक बाकायदगी से इस्तेमाल करने से आपका जिगर साफ हो जाता है और कई बीमारियों से भी बच जाता है। रोजाना 5 पपीते के बीज लीमू के रस के साथ दिन में 2 मरतबा जिगर के लिए ज्यादा बेहतर है। निज़ाम इन्हज़ाम के लिए, पपीता और पपीते के बीज निज़ाम इन्हज़ाम के लिए बेहद मुफीद माने जाते हैं। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को फ़रोग देता है और आंतों के कीड़ों का खात्मा करता है। पपीते के बीजों में कुदरती तौर पर दाफे सोजिश खसूसियात मौजूद होती हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करती हैं। एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खसूसियात, पपीते के बीजों की बस थोड़ी सी मकदार नुकसानदा बैक्टीरिया के खात्मे के लिए काफ़ी है। इसके अलावा ये वायरल इन्फेक्शन के इलाज में मौसर मानी जाती है। डेंगी, टाइफाइड और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए भी मुफीद मानी जाती है। कैंसर से बचाव के लिए, पपीते के गिजाई अज्जा कैंसर के खुलियात और ट्यूमर की अफसाइश को रोकते हैं। हमारे जिस्म में विटामिन के की कमी हमारी हड्डियों को कमजोर बनाती है और इस कमी की सूरत में मामूली चोट से भी हड्डी टूट जाने का खदशा होता है। विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे जिस्म को कैल्शियम जज्ब करने में मदद देता है, और वो अफराद जो विटामिन के कमी का शिकार हैं, पपीते के बीज उनके लिए बेहद मुफीद हैं। आइए जानते हैं पपीते के बीज खाने का तरीका। आधे से एक चाय का चम्मच पपीते के कच्चे बीज को कूट कर या पीस कर सलाद की ड्रेसिंग में दूध या शहद के साथ भी मिलाकर खा सकते हैं। हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन इसके बीज इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा पपीते के बीजों में ताकतवर एंटी पैरेस्टिक असरात मौजूद होते हैं, इसीलिए बच्चों को देने से पहले एहतियात जरूर करें। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की जरूरत में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।